गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अपन सिलेबस की जानकारी प्राप्त कर रहे थे जिसमें दो यूनिट के बारे में अपन ने देख लिया था। आज यूनिट थर्ड के अंदर कौन कौन से टॉपिक अपने सिलेबस में है इसके अंदर अपने को पढ़ना है एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन और डाइन। ये जो टॉपिक है ये टॉपिक यूनिट थर्ड के अंदर अपने को पढ़ने हैं। इसमें क्या पढ़ना है, एक तो इनका एक प्रिपरेशन मेथड्स, एक पढ़ना है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, और एक अपने को केमिकल प्रॉपर्टी। ये जो टॉपिक है ये अपने को इसमें पढ़ने हैं। फिर यूनिट फोर के अंदर जो है वो अपने एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिसिटी, एरोमेटिकता क्या होती है, उस एरोमेटिक से संबंधित पढ़ना है। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, एक है डेफिनेशन ऑफ एरोमेटिसिटी और एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। इसके अलावा एक पढ़ना है हकल का जो नियम है, उस अकल के नियम को अपने को पढ़ना है। इसके अलावा पढ़ना है अपने को बेंजीन के अंदर क्या पढ़ना है अपने को, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। बेंजीन की संरचना किस प्रकार से होती है, बेंजीन में कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसे बनता है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड कैसे बनता है, वो पढ़ना है। इसके अलावा बेंजीन से रिलेटेड इसके प्रिपरेशन मेथड, और इसकी केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के अंदर मेन जो है वो पढ़नी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़नी है, जिसमें एक है हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडेल क्राफ्ट, एल्काइलेशन और फ्रिडेल क्राफ्ट, एसाइलेशन, ये पांच रिएक्शन पढ़नी है। और विथ मैकेनिज्म, इनके मैकेनिज्म को भी अपने को विस्तार से पढ़ना है। और जो यूनिट फिफ्थ है, पांचवी यूनिट, अंतिम यूनिट, उस यूनिट फिफ्थ के अंदर अपने को पढ़ना है एल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड। एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड के अंदर एक पढ़ना है नेचर ऑफ सी एच बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के निक्षेप के बारे में पढ़ना है। एक इनका नोमेनक्लेचर, एंड क्लासिफिकेशन, इसके अलावा इसमें
प्रिपरेशन मेथड, और केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है वो कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो है यूनिट 5 के अंदर अपने को पढ़ना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, वाइनिल एलाइडी क्या है, एल्किल एलाइडी क्या है, एरिल एलाइडी क्या है, एलील एलाइडी क्या होती है, बेंजील एलाइडी क्या होती है, तो वो सब अपने को इसमें विस्तार से समझना है। थैंक यू।